अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं इसको मैटलैब में कैसे इंप्लीमेंट करना है। ये मैंने इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। हमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, अगर आप अपना ये सिस्टम देखें, K1, K2, K3, K4, C1, C2, C3 और M1 की वैल्यू, सारी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। हमने K1 को डिफाइन किया हुआ 200, फिर K2 को 390। ये हमारे पास जो लैब में पड़ा हुआ है मास स्प्रिंग सिस्टम है, तो हमने उसकी वैल्यूज ली हुई है। ये हमारे पास मॉडल ऑलरेडी वहाँ पे पड़ा हुआ था, तो हमने उसकी वैल्यूज यहाँ पे ली हुई हैं। C1, C2, C3 की वैल्यूज भी गिवन है, मास 1, मास 2, मास 3। ये हमारे पास SI सिस्टम में है सारी वैल्यूज जो हैं। आप अपनी बुक में देख सकते हैं इन सब की यूनिट्स क्या हो सकते हैं। फोर्स का जैसा न्यूटन है, KKG है, इस तरह K1, K2, C1 के भी आप वहाँ पे यूनिट्स देख सकते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि हम जो वेरिएबल्स हैं उनको सिम्बॉलिकली फाइंड करेंगे। तो हमारे पास ये SYMS, इसको कहते हैं सिम एस। सेम ऐसे हमारे पास एक कमांड है जो क्या करती है, जो वेरिएबल्स है उनको डिफाइन कर। अगर आपके पास ये देखिए, हमारे पास X1, X2, X3 वेरिएबल्स थे, F एक वेरिएबल था और S वेरिएबल था, तो हम इनको क्या कर देंगे, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद जो मैंने कहा था, आपने क्या करना है कि Z मैट्रिक्स बनानी है, ये वाली जो आपके पास है, ये वाली Z मैट्रिक्स, M1S² प्लस C1S प्लस K1 प्लस K2। ये एक आ गया, फिर ये दूसरा एलिमेंट आ गया, फिर ये तीसरा आ गया। इसको मैटलैब में कैसे करते हैं, आपने मैट्रिक्स इंप्लीमेंट किए होंगे। ये देखिए हमारा पास जो पहला एलिमेंट आ रहा है, ये एज इट इज आ रहा है। हमने M1 × S² देखें, S² कैसे लिखा है, प्लस C1 × S प्लस K1 प्लस K2। ये आपके पास फर्स्ट वेरिएबल आ गया, फर्स्ट एलिमेंट आ गया मैट्रिक्स का, रो का। अगर आप नेक्स्ट एलिमेंट पे चले जाएंगे तो आप स्पेस देंगे, तो आप नेक्स्ट एलिमेंट पे चले जाएंगे। अब उसके बाद अगर आपने नेक्स्ट एलिमेंट लिखना है तो आप स्पेस दे के ये लिखेंगे। अब अगर आप नेक्स्ट रो पे आना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सेमी कॉलन डालेंगे, फिर आप ऑटोमेटिकली क्या होगा, नेक्स्ट रो पे आ जाएंगे। इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, अगर आपने सेमी कॉलन डाल दिया तो आप एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने इस तरह किया हुआ। फिर इस तरह आप ये पहला वेरिएबल लिखा, फिर उसके बाद दूसरा लिखा, फिर तीसरा लिखा। या बस ये पहला वेरिएबल है, वेरिएबल मीन मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट और ये तीसरा एलिमेंट। फिर उसके बाद आपने थर्ड रो पे आ जाएंगे, पहला एलिमेंट, क्योंकि M1 और M3 के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, तो ये जीरो हो जाता है। फिर उसके बाद ये आपने दूसरा एलिमेंट लिखा, ये वाला M2 और M3 के दरमियान K3 आता है, और उसके बाद आपने थर्ड एलिमेंट उसका लिख लिया। तो उसके बाद आप जो ये स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे तो ये आपका मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा, आपके पास 3 रोज और 3 कॉलम, या बस एक मैट्रिक्स बन गया। उसके बाद मैंने क्या किया, वही जिस तरह आपको बताया था क्रेमर रूल का, क्रेमर रूल में हमने क्या करना है, ये वाली जो मैट्रिक्स है ये अभी इसको मैंने EXK को लिखा हुआ, F100BEHCFI। तो अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने इसको भी एक सिंबल, जब आप अलग अलग वेरिएबल्स को सिंबॉलिकली डिफाइन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिम एस आएगा। अगर आपने पूरी मैट्रिक्स को ये करना है, डिफाइन करना है, तो आप क्या करेंगे, सिम यूज करेंगे, SYM सिम। उसके बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि उसके बाद आप बस आपने मैट्रिक्स को डिफाइन करना है। तो आप यहाँ पे देखें, पहला एलिमेंट यहाँ पे इसकी जगह ऊपर देखें, इसकी जगह आपके पास आ जाएगा F, फिर उसके बाद वही -K2, फिर 0, फिर दूसरा एलिमेंट जो होगा इसकी जगह ये 0 आ जाएगा, ये 0 हमने पुट कर दिया, क्यों, हमारे पास जो ये देखें ये F00 है। तो इस तरह हमने इसको मैट्रिक्स को AX को लिख दिया, फिर इसी तरह AY को लिख दिया, AY हमारे पास X2 के लिए होगा, A3। उसके बाद हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये हम वेरिएबल है, ये कमांड नहीं है, तो आपने क्या करना है, अब A का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ A मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ Z भी कह सकते हैं यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ A बेसिकली क्या क्या है आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ Z। यहाँ पे देखिए मैंने क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ A एक वैसी वेरिएबल डिफाइन कर ली, आप अपनी मर्जी से भी डिफाइन कर सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ Z। नेक्स्ट अगर आ जाए, अब हमने फाइंड करना है X1 X2 X3। तो X1 किसके इक्वल आता था, आप यहाँ पे देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस जो आपने AX बनाया था, और डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ होल मैट्रिक्स जो आपके पास ये Z आ रही थी। तो यहाँ पे भी हमने वही किया, वो डिटर्मिनेंट ऑफ AX, ये देखें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, डिवाइडेड बाय होल का डिटर्मिनेंट, तो हमारे पास ये X1 आ जाएगा। फिर उसके बाद X2 भी इसी तरह आ जाएगा, X3 भी आ जाएगा। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है हमारे पास, X1 डिवाइड बाय F, देखें X1 डिवाइड बाय X। यहाँ पे अगर यहाँ तक मैं इंप्लीमेंट करूँ इसको, मैं यहाँ तक इंप्लीमेंट करता हूँ, एवेलुएट करते हैं इसको, ये क्योंकि मैथ टूल बॉक्स है तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, जो मैटलैब जिसकी सिस्टम स्लो होगा,
स्पेसिफिकेशन उसकी कम होगी तो ये थोड़ा टाइम लेगा, तो आपने दोबारा रन नहीं करना, यहाँ पे देखना है बिजी है तो नहीं। ये देखिए आपके पास एक्स वन कहाँ तक हमने रन किया हुआ था, यहाँ तक, तो हमारे पास एक्स थ्री तक आ गया है। तो अगर हम इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं, मैं सिर्फ इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करता हूँ, ये देखिए ये मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन एक आ गया। अगर हमने तीनों ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने हैं तो ये आ जाएगा, ये हमारे पास तीन ट्रांसफर फंक्शन आ जाएंगे। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये किस फॉर्म में है, ट्रांसफर फंक्शन वन, ट्रांसफर फंक्शन टू, ये सिंबॉलिकल फॉर्म है। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपकी जो स्टेप कमांड है, आपके पास जो इम्पल्स कमांड है, वो सिंबॉलिक पे जो वेरिएबल्स हैं या इक्वेशंस हैं या ट्रांसफर फंक्शंस आपने बनाए हुए हैं उन पे अप्लाई नहीं होता। तो आपने क्या करना होगा कि उसको दोबारा आप पॉलिनोमियल फॉर्म में लेके आएंगे, पॉलिनोमियल के बाद फिर आप उस पर स्टेप और इम्पल्स करेंगे। तो अभी हम मैं आपको एक का बता देता हूँ, ये देखें ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे सिंप्लीफाई किया इसको, किसको, ये जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन वन आया, एक्स वन और एफ आया है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई, ये कमांड है, ये डिटर्मिनेंट जिस तरह सिम्बॉलिक पे अप्लाई हो रही है, इसी तरह अगर आपको मसला हो रहा है तो आप हेल्प से मैथ देख सकते हैं, ये मैथ टूल बॉक्स को देख सकते हैं कि कौन कौन सी कमांड वहां पे यूज हो सकती है। तो अभी यहाँ पे आप इसको मैंने क्या किया, ए मेरे पास क्या आ गया, सिंप्लीफाई होकर कौन सी फॉर्म आ गई है, ये ट्रांसफर फंक्शन वन जो है ये सिंप्लीफाई। अब अगर आप प्रिटी कमांड यूज करेंगे तो ये आपको खूबसूरत से बना के बता देगा कि ये कैसे ट्रांसफर फंक्शन आपके पास आ रहा है। ये देखें ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ रहे हैं आपके पास, ये 67081S4, ये भी सिंप्लीफाई सही नहीं हुई, लेकिन ये है कि आपके पास ये आप बता दिए कि S4 तक आ रहा है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर आपके पास S6 से आ रहा है डिवाइड बाई, ये देखें पावर इसकी ज्यादा आ रही है। फिर उसके बाद हम कमांड यूज करेंगे numDen। numDen हम क्यों यूज करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग करेंगे, वो क्यों करेंगे कि हमारे पास जो सिंबॉलिक से पोली में कन्वर्ट करते हैं वो न्यूमरेटर को अलग लेती है और डिनोमिनेटर को अलग लेती है कमांड को। तो यहाँ पे देखिए मैंने numDen कमांड यूज की है, numDen अब मैं किसको कर रहा हूँ, ये ए मेरे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन वन आ रहा है, तो एन में मेरे पास नोमिनेटर आ जाएगा, डी में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर। अब अगर इसको इम्प्लीमेंट करें आप देख लीजिएगा, ये देखें डिनोमिनेटर में वही S6 के साथ आ रहा है पावर के साथ और न्यूमरेटर में S4 के साथ आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, n को अलग से सिम टू पोली कन्वर्ट करूंगा, ये भी कमांड है, सिम्बॉलिक से पोलिनोमियल में कन्वर्ट करेगी n को, n में मेरे पास क्या गया न्यूमरेटर, तो इसके रिस्पेक्ट से मैंने इसको n1 कर दिया और d1 को इसी तरह करूंगा तो ये मेरे पास ये आ जाएगा। अगर इसको मैं इम्प्लीमेंट करूँ देखिए इस तरह आ जाएगा, इसमें न्यूमरेटर अलग आ जाएंगे, डिनोमिनेटर अलग आ जाएंगे। फिर आप डायरेक्ट क्या कर देंगे, वही कमांड TF ट्रांसफर फंक्शन की कमांड यूज करेंगे, किसको N1 आपके पास न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, तो आप इसको इंप्लीमेंट करें, ये थोड़ा सा बिजी है, आप एक दफा रन करेंगे वेट करेंगे फिर आप, तो ये आपके पास इसका ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा और इसको आप जब स्टेप देंगे तो ये स्टेप रिस्पॉन्स इसका आ जाएगा। ये भी बिजी है, यहाँ पे देख लें बिजी हो तो आपने दोबारा इसको रन नहीं करना, वेट करना है जब तक ये बिजी मोड से बाहर नहीं आ जाता। ये आपके पास इसका स्टेप, क्योंकि थोड़ी सी ऑसिलेशन होंगी फिर एक जगह पे जाके उसकी जो आपने स्टेप दी हुई है ना, स्टेप को मतलब कांस्टेंट फोर्स दी हुई है, तो वो थोड़ा सा आगे एक डिस्प्लेसमेंट पे पहले थोड़ा सा स्प्रिंग की वजह से और डैम्पर की वजह से थोड़ी सी ऑसिलेशन करेगा मास, फिर थोड़ा सा आगे मूव होके आपने जितनी फोर्स लगाई होगी वहाँ पे जाके वो स्टेबल हो जाएगा। थ्री कह दें 3 मीटर पे हो रहा है या 3 सेंटीमीटर, थ्री अगर ऐसा यूनिट है तो 3 मीटर पे जाके आपने स्टेप दी हुई है, तो 3 × 10⁻³ है, ये देख लें इसकी वैल्यू क्या है, 3 × 10⁻³, थोड़ा सा आगे मूव होके वहाँ पे रुक जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमने स्टेप दिया, फिर वही हमने नीचे किया हुआ एक्स लेवल वाई लेवल भी इसको कर सकते हैं, यहाँ पे लेजेंड भी किया हुआ है, साथ ही में इसको ब्लेट कर देता हूँ तो ये देखिएगा यहाँ पे सारा कुछ आ जाएगा, ये देखिए लेवल भी आ गया, स्टेप रिस्पॉन्स पोजिशन ऑफ M1 डिस्प्लेसमेंट जिसको कह सकते हैं आप, एम्पलीट्यूड है और टाइम सारा कुछ है, तो आप इसको वहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या था, X1/F, आपने यहाँ पे आप बस ये ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म में भी आ गया और उसका स्टेप रिस्पांस भी आ गया, तो आपने साथ इंपल्स रिस्पांस भी फाइंड करना है इसका। अच्छा यहाँ पे नीचे उसी तरह मैंने X2 के लिए भी किया हुआ है, वही कमांड यूज़ की हुई है, B सिंप्लीफाई करके फिर उसमें NN कर दिया DD ताकि